एएसडी न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला हीरा है कोहिनूर हीरा। आखिर क्या है कोहिनूर और क्यों है इतना मशहूर ये, इसको लेकर जब तक इतनी चर्चा क्यों होती रहती है? दरअसल यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया व उनके खजाने में शामिल हो गया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानियों के बारे में। कोहिनूर की भी अपनी कई कथाएं रही हैं। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण बना व स्त्री स्वामिनियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का मालिक संसार पर राज करने वाला बना। कोहिनूर की कहानी। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खनन क्षेत्र में निकला था कोहिनूर। मूल रूप में यह 793 कैरेट का था, अब यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर के बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास की मिलती है, तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इसका जिक्र बाबर नामा में मिलता है। मुगल शासक बाबर की जीवनी के मुताबिक ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने अपनी सभी संपत्ति 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा जमाया और तब 186 कैरेट के हीरे पर भी कब्जा जमा लिया, तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था। इसके बाद यह हीरा मुगलों के पास ही रहा। 1738 ईस्वी में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला किया। 1739 ईस्वी में उसने दिल्ली के तब के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया और शाही खजाने को लूट लिया। इसमें बाबर हीरा भी था। इस हीरे का नाम नादिर शाह ने ही कोहिनूर रखा। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। 14 साल के शाहरुख मिर्जा की नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने काफी मदद की, तो शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। इसके बाद यह हीरा अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो कोहिनूर उसके पास था। पंजाब में सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। जब महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि कोहिनूर शुजा के पास है, तो उन्होंने उसे हर तरह से मनाकर 1813 में कोहिनूर हासिल कर लिया। रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1843 में उनकी मौत के बाद हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह तक पहुंचा। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया। दिलीप सिंह ने लाहौर की संधि पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। कोहिनूर को लॉर्ड डलहौजी 1850 में लाहौर से मुंबई लेकर आए और वहां से 6 अप्रैल 1850 को मुंबई से इसे लंदन के लिए भेजा गया। 3 जुलाई 1850 को इसे बंकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। 38 दिनों में हीरों को शेप देने वाली सबसे मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे नया अंदाज दिया। इसका वजन तब 108.93 कैरेट रह गया। यह रानी के ताज का हिस्सा बना। अब कोहिनूर का वजन 105.6 कैरेट है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में भारत ने कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया था। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इसकी मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। प्राचीन मान्यताएं। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था
और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सियमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। जब जामवंत सो रहे थे तब श्री कृष्ण ने यह मणि चुरा ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था लगभग 3200 ईसा पूर्व। It's ASD News presentation. For more news updates, subscribe ASD News.